नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा, मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिरोसिस, मतलब कि आप अपने लाइफस्टाइल में या दिनचर्या में या रोज़मर्रा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे आपको सिरोसिस से लड़ने में मदद मिले या आपका लाइफ सिरोसिस के बावजूद भी थोड़ा सरल हो पाए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मॉडिफाई कर सकते हैं? तो जो सिरोसिस का मरीज़ होता है वो दो चीज़ों से लड़ाई कर रहा होता है, एक तो लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर से जो जिसके कारण आपका लिवर डैमेज है, और दूसरा जो वो कारण है जिसके कारण आपका लिवर डैमेज हुआ है, जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, हेपेटाइटिस बी सी, अल्कोहल एट्सेट्रा। इसके अलावा बहुत कुछ रेयर कॉजेज भी होते हैं जो लिवर सिरोसिस कराते हैं, तो ऐसे जो कारण हैं उनको भी टैकल आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ता है लिवर सिरोसिस का। तो अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें या अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपको लिवर सिरोसिस है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो ये आपके लिवर को और ज़्यादा जल्दी डैमेज करेगा और सिरोसिस या एडवांस सिरोसिस फीचर्स या उनके लक्षण ज़्यादा जल्दी उत्पन्न हो सकते हैं अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको मोटापा है तो मोटापा भी लिवर पे चर्बी चढ़ाता है और ये चर्बी फिर लिवर को डैमेज करता है, तो आपको मोटापा को भी कंट्रोल करना है। और अगर आपको इसके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करानी पड़े तो ये भी आज की डेट में एक ऑप्शन है जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करा के आपके मोटापा कम होगा और आपके लिवर सिरोसिस को फ़ायदा होगा तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। उसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो इसके लिए बहुत कारगर दवाइयां आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करके इन वायरसेस का ट्रीटमेंट कराएं, नहीं तो ये वायरस और ज़्यादा जल्दी आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो कहा कि और रेयर कॉजेज हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं, तो उन सब रेयर कॉजेज को भी कंट्रोल या चेक में रखना है। उसके अलावा जो सिरोसिस होता है वो एक स्टेट ऑफ मैल न्यूट्रिशन होता है, इसका मतलब जो खाना आप खाते हैं वो शरीर में ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होता है, प्रोसेस नहीं होता है, और वो जो खाना है आपके शरीर में ठीक से लगता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सिरोसिस के मरीज़ हैं उनमें 20% में एक मैल न्यूट्रिशन का स्टेट होता है और एडवांस सिरोसिस के मरीज़ में करीब 50% में ये मैल न्यूट्रिशन का स्टेट पाया जाता है, और ये जो डेवलप होता है ये बहुत अर्ली सिरोसिस में शुरू हो जाता है डेवलप होना मैल न्यूट्रिशन। और इसके लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप दिन में 3 बार नहीं मतलब बल्कि 4 से 6 बार खाना खाएं जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे और आपका जो प्रोटीन स्टोर्स है या मसल्स है बॉडी में उनको क्षति ना पहुँचे और आप की कमज़ोरी आपको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस ना हो। तो हमें माल न्यूट्रिशन से प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है लिवर सिरोसिस को मैनेज करने का। उसके अलावा अल्कोहल या अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो शराब है ये आपके लिवर को और फर्दर डैमेज करेगा, मतलब कि अगर आप सिरोसिस हैं तो आप ज़्यादा जल्दी एडवांस सिरोसिस की तरफ जाएंगे और आपके जो मौत की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अल्कोहल लेने से जो लिवर सिरोसिस है उसमें जो कैंसर के उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप अल्कोहल बिल्कुल नहीं ले सकते अगर आपको लिवर सिरोसिस ऑलरेडी है। उसके अलावा स्मोकिंग की हैबिट या धूम्रपान की जो हैबिट है ये भी आपके लिवर को ज़्यादा जल्दी डैमेज करेगा अगर आपको सिरोसिस है, मतलब कि धूम्रपान के कारण लिवर में फाइब्रोसिस ज़्यादा होता है, लिवर फाइब्रोसिस से सिरोसिस की तरफ ज़्यादा जाता है और एडवांस सिरोसिस की तरफ ज़्यादा जाता है, और स्मोकिंग के कारण भी लिवर कैंसर का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज की हैबिट, ये जो एक्सरसाइज की हैबिट है ये आपके शरीर में मांसपेशियों को या मसल्स को मेंटेन करके लगता है या उनको एक स्टिमुलस देता है ग्रोथ का, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिनचर्या में किसी प्रकार का एक्सरसाइज ज़रूर लाएँ अपने दिनचर्या में। और कहते हैं कि आप 5 से 10 मिनट
थोड़ा सा वार्म अप करें, फिर 15 से 40 मिनट कुछ एरोबिक एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, और फिर 5 से 10 मिनट कुछ स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। तो ये जो कहा जाता है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जो हर सिरोसिस के मरीज़ को अपने लाइफ में ज़रूर ढालना चाहिए, जिससे आपके सिरोसिस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, मतलब कि कुछ ना कुछ काम में बिजी रहिए या इन्वॉल्व रहिए, सो दैट आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े ना रहें, और बिस्तर से पड़ने से और भी शरीर कमज़ोर होता जाता है, तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा जो चीज़ होती है कि इन्फेक्शन, जो सिरोसिस का मरीज़ होता है वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है, और उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कहा जाता है कि आप बाहर का खाना या स्ट्रीट फूड या ऐसा कोई भी खाना या पीना जो इन्फेक्टेड हो सकता है या कंटेमिनेटेड हो सकता है, जिसमें कीटाणु हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, या अगर ठीक से उसको पकाया नहीं गया है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आप ठेले वाला खाना या स्ट्रीट फूड आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। ये आपको अपनी दिनचर्या में ज़रूर ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपको कभी लूज मोशन हो जाता है या खांसी सर्दी हो जाती है या पैर में कोई चोट लग जाता है या घाव हो जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिरोसिस के मरीज़ में बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकती है, और बहुत ही जल्दी एक खतरनाक रूप ले सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर्स से जल्दी सलाह लें और इस इन्फेक्शन को पहले ही ट्रीट करने की कोशिश करें कि ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म में ना आ पाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है अपनी दिनचर्या में कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। उसी के तहत आता है कि आपका ओरल हाइजीन या दांत और मसूड़ों का जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना है। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, और सालाना एक बार डेंटिस्ट से ज़रूर मुलाकात करिए कि वो आपके एक डेंटल चेकअप ज़रूर कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे इन्फेक्शन रेट कम होता है और मौत की संभावना है वो भी काफ़ी कम होती है, अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा है। जो सिरोसिस के मरीज़ हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी समय तक चलती है और मरीज़ के शरीर को काफ़ी लाचार अवस्था में ले आती है, जिसके कारण ये एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है सिरोसिस के मरीज़ में। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लक्षण लग रहा है तो कृपया ये अपने जो डॉक्टर हैं उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें और उनकी सलाह लें कि इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों में आदत होती है कि पेन किलर्स या स्लीपिंग पिल्स बहुत इजली और बहुत आराम से लेते रहते हैं अपनी दिनचर्या में, तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो पेन किलर्स होते हैं ये आपके लिवर को ज़्यादा जल्दी डैमेज करेंगे और आपकी किडनी को भी क्षति पहुंचाएंगे। तो ऑलरेडी आपको लिवर फेलियर है और आप फिर किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं, तो पेन किलर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा जो स्लीपिंग पिल्स हैं ये आपको एक इरिवर्सिबल कोमा या गफलत में ढकेल सकते हैं, या जिसको हेपेटिक एनकेफलोपैथी कहा गया है, ऐसे सिम्टम्स को डेवलप कर सकते हैं जिसके कारण आपकी मौत की संभावना बढ़ जाती है, और इसको एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कहा गया है सिरोसिस का। तो अगर आप स्लीपिंग पिल लेते हैं तो इससे इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको पेन किलर्स एंड स्लीपिंग पिल्स एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। और आखिरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपको अपनी दिनचर्या में ये ज़रूर देखना है कि आपको रेगुलर हॉस्पिटल और डॉक्टर विजिट को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शेड्यूल करना है, कि हर 3 से 6 महीने आपको एक डॉक्टर से मिलना है जो आपके लिवर का देखभाल कर सके, क्योंकि ये जो मुलाकात है ये एक मौका होता है कि हम लिवर फेलियर के साइंस को ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ, और अगर लिवर कैंसर डेवलप होने का शक है तो हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि लिवर कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। उसके अलावा जो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं उसको हम टेक केयर कर सकते हैं दवाइयों को मॉडिफाई करके, डाइट में मॉडिफाई करके, या आपको सलाह देके, एडवाइस देके, इन सब चीज़ों से आपको निदान मिल सकता है। उसके अलावा ये एक मौका होता है जब एक हम टाइमली एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जिससे कि जो एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन होता है, जो खून की उल्टी होती है, उससे एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप एक टाइमली एंडोस्कोपी करा लेते हैं और डॉक्टर कंसल्टेशन करा लेते हैं। उसके अलावा
जो एडवांस सिरोसिस के मरीज हैं उनको हो सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, तो जितनी बार भी आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो उनके पास एक मौका होता है कि आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें, और फ्यूचर में जो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो उसके लिए आपको प्रिपेयर करें और आपके परिवार को प्रिपेयर करें कि इनको फ्यूचर में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी सलाह है और फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।